नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका दोस्त संतोष बिश्नोई एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी की बेहद डिमांड को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान वन रिपोर्ट 2021 लेकर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, वन रिपोर्ट 2021 को बहुत ही शानदार तरीके के साथ संकलित करते हुए जटिल आंकड़ों को सरल करते हुए आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। मुझे विश्वास है आगामी सभी परीक्षाएं, जैसे आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाएं, जिनमें राजस्थान वन रिपोर्ट से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में से देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राजस्थान वन रिपोर्ट 2021 की। शुरुआत करेंगे सबसे पहले दोस्तों, ये 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है, यानी इस बार की जो ये रिपोर्ट है ये भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है, जो 17वीं वन रिपोर्ट है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 13 जनवरी 2022 को इस रिपोर्ट को जारी किया गया। दोस्तों, हमारा जो मंत्रालय है जिसका नाम है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसके मंत्री है भूपेंद्र यादव, इस मंत्रालय ने यह रिपोर्ट 13 जनवरी 2022 को जारी की है। दोस्तों, आपको यह भी याद रखना होगा कि यह रिपोर्ट तैयार कौन करता है। इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून के द्वारा, और यह संस्थान जिस उपग्रह के माध्यम से आंकड़ों का संग्रह करता है उस उपग्रह का नाम है रिसोर्सेट 2A। दोस्तों, यह द्विवार्षिक रिपोर्ट है, यानी प्रति दो वर्ष में यह रिपोर्ट जारी होती है। पिछली बार रिपोर्ट जारी हुई थी 2019 में और अब यह रिपोर्ट जारी हुई है 2021 में, यानी 2021 की रिपोर्ट 2022 में आई है। दोस्तों, पहली बार वन रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी। रिसोर्सेट 2A, जिसको हम भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह भी कहते हैं। दोस्तों, ये बेसिक जानकारी थी वन रिपोर्ट से संबंधित। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे उस पॉइंट को जिसके तहत हम आंकड़ों का अध्ययन करने वाले हैं। इस वन रिपोर्ट में निम्नलिखित बिंदुओं के आंकड़ों का अध्ययन करते हैं या करेंगे। नंबर एक, वनावरण अर्थात वन क्षेत्र, जिसको हम फॉरेस्ट कवर एरिया कहते हैं। नंबर दो है वृक्षावरण, जिसको हम ट्री कवर कहते हैं। नंबर तीन, कुल वनावरण और वृक्षावरण। और नंबर चार है अभिलेखित वन क्षेत्र, जिसे हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। और पांच नंबर पे हम अध्ययन करेंगे झाड़ी क्षेत्र अर्थात स्कर्ब एरिया की। दोस्तों, ये पांच पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। वनावरण अर्थात फॉरेस्ट कवर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन पांचों पॉइंट को हम बहुत ही शानदार तरीके के साथ पढ़ेंगे। शुरू करेंगे सबसे पहले पॉइंट नंबर एक, वनावरण अर्थात वन क्षेत्र अर्थात फॉरेस्ट कवर एरिया। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने पहला पॉइंट, वनावरण अर्थात फॉरेस्ट कवर एरिया। दोस्तों, वनावरण क्या होता है? एक हेक्टर से अधिक भूमि पर फैला हुआ वन क्षेत्र, जहां वृक्ष छत्र घनत्व यानी ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% से अधिक हो, उस भूमि पर 10% से अधिक वृक्ष हो, इसे हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कवर एरिया, वनावरण कहते हैं। दोस्तों, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में यदि हम वनावरण की बात करें तो उससे पहले हम राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में जानकारी जरूर याद करेंगे। दोस्तों, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है 342,239 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, इस भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष वनावरण कितना है, इस बात को हम यहाँ देखने वाले हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में वनावरण है 16,654.96 वर्ग किमी। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
वर्तमान में राजस्थान में वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण कितना है, फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है, आप बताएंगे 16,654.96 वर्ग किलोमीटर। आप इसको ऐसे बोल सकते हो 16,654.96 वर्ग किलोमीटर। जबकि दोस्तों आपको याद होगा 2019 वाला, ये 2019 का आंकड़ा भी मैंने इसके साथ लिख दिया है, 16,629.51 वर्ग किलोमीटर था। इसका मतलब ये हुआ है कि दोस्तों थोड़ा बहुत वनावरण बढ़ गया है, थोड़ा बहुत वनावरण बढ़ा है 2019 की तुलना में। 2021 में वनावरण कितना बढ़ा दोस्तों, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार हम इसको भी देखेंगे कितना बढ़ा है। ये देखें 2019 की तुलना में 2021 में 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। दोस्तों वृद्धि वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि वन रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई, तो हम इनकी तुलना करते हुए ये बात बोलेंगे कि 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब दोस्तों आपसे प्रतिशत भी पूछा जा सकता है कि राज्य के इस पूरे क्षेत्रफल का राज्य में जो वनावरण है यह कितना प्रतिशत है। दोस्तों वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण है 4.87%, जबकि पिछली बार 2019 में कितना था, 4.86% था। इसका मतलब कितनी वृद्धि हुई है, 0.01% की वृद्धि हुई है। दोस्तों वनावरण में कोई भी आंकड़ा मैंने छोड़ा नहीं है और मुझे आशा है आप भी इसको छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों वनावरण मैंने आपको बताया 16,654.96 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 4.87% है। 2019 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, 0.01% की वृद्धि। टोटल 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है, 25.45 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों मुझे आशा है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा वो आपका गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस बात को भी आपको स्वीकार करना होगा कि इतना शानदार व्यवस्थित कंटेंट आपको उपलब्ध हो रहा है और वो भी निःशुल्क, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है आपका सिलेक्शन कराने की जिम्मेदारी गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के माध्यम से मेरी है। ठीक है, छोटे भाई बहनों का सिलेक्शन हो यही हमारा सौभाग्य होगा। दोस्तों वनावरण के बाद हम आगे बढ़ते हैं वृक्षावरण की। वनावरण में एक बात और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वनावरण में वृद्धि हुई है 2019 में कितनी वृद्धि हुई थी, 57.51 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी, जबकि इस बार 2021 में कितनी हुई है, 25.45 वर्ग किलोमीटर अर्थात 0.01% की वृद्धि। दोस्तों ये वृद्धि आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जब हम फॉरेस्ट कवर पढ़ ही रहे हैं तो फॉरेस्ट कवर को पढ़ते पढ़ते इसका हम वर्गीकरण भी कर लेते हैं। दोस्तों फॉरेस्ट कवर यानी वनावरण का सघनता अर्थात घनत्व के आधार पर क्या करना है, वर्गीकरण। दोस्तों राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर वनावरण एवं उसका प्रतिशत हम देखने वाले हैं। दोस्तों हम घनत्व के आधार पर, सघनता के आधार पर फॉरेस्ट कवर का क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी हमारा टॉपिक पहला ही चल रहा है वनावरण, और इस वनावरण का हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं डेंसिटी के आधार पर, सघनता के आधार पर। चलिए दोस्तों पॉइंट नंबर एक देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है अति सघन वन, अंग्रेजी में इसे वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट कहते हैं। दोस्तों अति सघन वन क्या होते हैं, वे वन या वह क्षेत्र जहाँ पर जो वन उपस्थित है जिनका वृक्ष छत्र घनत्व जो है वो 70% से अधिक हो, उसे हम VDF अर्थात अति सघन वन कहते हैं। दोस्तों इस बार 2021 में अति सघन वन कितने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों मैंने आपको बताया कि राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर है, इस टोटल क्षेत्रफल का अति सघन वन कितना है। दोस्तों ये देखो
78.15 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इस टोटल राजस्थान के इस भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.02% है। ठीक है, अब दोस्तों आपको ये याद रखना है कि हमारी 2021 की रिपोर्ट कहती है कि अति सघन वन जो है VDF वो राज्य में कितने हैं, 78.15 वर्ग किलोमीटर है, जिनका प्रतिशत है 0.02%। पिछली बार दोस्तों कितना था, 77.81 वर्ग किलोमीटर था। कितनी वृद्धि हुई है दोस्तों, 0.34 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, अति सघन वनों में 2019 की तुलना में 2021 में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, 0.34 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कैसा लगा दोस्तों अति सघन वन वाले ये पॉइंट, कमेंट्स बॉक्स में आपका जवाब आना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कमेंट्स बॉक्स में नहीं लिखेंगे, तब तक मुझे बाहरी तौर पर जो प्रेरणा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। आप जैसे ही कमेंट्स लिखेंगे, अगला वीडियो और ही शानदार आएगा। अति सघन के बाद मैं लिए चलता हूँ आपको मध्यम सघन वनों की ओर। दोस्तों मध्यम सघन वन, मीडियम डेंसिटी फॉरेस्ट, दोस्तों जिनका वृक्ष छत्र घनत्व कितना होना है, 40 और 70% के बीच हो, यानी 70% से ज़्यादा हो, तब तो उन्हें हम अति सघन वन कहेंगे। और 40 और 70 के बीच में इनका क्या हो, वृक्ष छत्र घनत्व, दोस्तों ये 40 और 70 के बीच होगा तो उसको हम MDF कहेंगे, मध्यम सघन वन कहेंगे। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में मध्यम सघन वनों का वर्ग क्षेत्रफल कितना है, 2021 की बात करें नई वन रिपोर्ट की, तो इसमें है 4368.65 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.28% है। दोस्तों 2019 की बात करें, साथ साथ में तुलना कर लेते हैं, पिछली बार था 4341.90 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 1.27%। इसका मतलब थोड़ा सा बढ़ गया है, थोड़ा सा कितना बढ़ गया है, 26.75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। दोस्तों आपको याद रखना है मध्यम सघन वन 2019 में कितने थे, 4341.90 वर्ग किलोमीटर थे, वर्तमान 2021 की रिपोर्ट में कितने हो गए हैं, 4368.65 वर्ग किलोमीटर हो गया है। कितनी वृद्धि हुई है, 26.75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट, मध्यम सघन के बाद दोस्तों यहाँ पर एक बात है, सर्वाधिक मध्यम सघन वन किस ज़िले में है, उदयपुर में। अगला पॉइंट ये आ गया दोस्तों खुला वन क्षेत्र, ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो इस प्रकार का वन क्षेत्र जिनमें वृक्ष छत्र घनत्व 10 और 40% के बीच हो, उसे हम खुला वन क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों 2021 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो कितने हैं, 12,208.16 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.57% है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, 2019 में कितना था, 12,209.80 वर्ग किलोमीटर, जिसकी तुलना में 2021 में क्या हुई है, कमी हुई है। कितनी कमी हुई है, 1.64 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि अति सघन वन जो है उसमें वृद्धि हुई, मध्यम सघन वनों में वृद्धि हुई, जबकि खुले वन क्षेत्र में क्या हुई है, कमी हुई है। कितनी कमी हुई है, 1.64 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। देखें दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट आंकड़े दोनों के दोनों आपके सामने हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वन राजस्थान वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा कथन सही है। नंबर एक, राज्य में 2019 की तुलना में अति सघन वनों में वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, मध्यम सघन वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। नंबर तीन, खुला वन क्षेत्र में कमी हुई है। नंबर चार, सभी सही है। दोस्तों सभी सही हो गए, क्योंकि खुला वन क्षेत्र में क्या हुई, कमी, वेरी इंपॉर्टेंट। और राजस्थान में सर्वाधिक खुले वन कहाँ है, उदयपुर में। दोस्तों ये खुले वन क्षेत्र हो गए। इस प्रकार से दोस्तों पहला पॉइंट पूरा हो गया है, वनावरण। वनावरण में हमने पढ़ा कि राजस्थान में टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है,
उसके बाद में हम डेंसिटी के आधार पर उनका वर्गीकरण किया, अति सघन के रूप में, मध्यम सघन और खुले वन के रूप में। अब हम बात करने जा रहे हैं ट्री कवर की, अर्थात वृक्षावरण की। दोस्तों ट्री कवर क्या होता है? ट्री कवर की परिभाषा है एक आसान सी परिभाषा, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, अभिलेखित वन क्षेत्र के बाहर का तथा 1 हेक्टर से कम भूमि पर फैला हुआ वन क्षेत्र। दोस्तों रिकॉर्डेड फॉरेस्ट जो होता है वो सरकारी जो वन विभाग है उसके अंतर्गत आने वाली वन क्षेत्र भूमि होती है, उससे बाहर का ऐसा क्षेत्रफल जहाँ 1 हेक्टर से अधिक भूमि पर क्या हुआ हो, वन फैला हुआ हो, उस सॉरी कम की बात हो रही है, ध्यान रखना है वृक्षावरणों में कम की बात करनी है, 1 हेक्टर से कम भूमि पर फैला हुआ वन क्षेत्र जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, वृक्षावरण। अर्थात ये जो एरिया होता है 1 हेक्टर से कम भूमि वाला जो वन क्षेत्र होता है ये वनावरण के अतिरिक्त होता है, जबकि वनावरण में हम इसको क्या लेते हैं, 1 हेक्टर से अधिक भूमि पर फैला हुआ वन क्षेत्र के रूप में लेते हैं। दोस्तों वृक्षावरण यानी ट्री कवर की बात करें तो इसमें तालाब के आसपास, रेलवे लाइन के अगल बगल में, सड़क के दोनों ओर के जो वन क्षेत्र होते हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। दोस्तों वन रिपोर्ट 2019 की बात करें तो वृक्षावरण ट्री कवर कितने थे, 8,112 वर्ग किलोमीटर थे, जबकि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार ट्री कवर कितने हो गए हैं, 8,733 वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ट्री कवर है, ट्री कवर एरिया जो है वो 2019 की तुलना में 2021 में बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 2019 की तुलना में 2021 में 621 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में ट्री कवर यानी वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है, तो 621 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2019 की तुलना में। अब दोस्तों हम बात करेंगे, हमने वनावरण पढ़ा, फॉरेस्ट कवर, उसके बाद में ट्री कवर यानी वृक्षावरण पढ़ लिया, अब हम इन दोनों को साथ पढ़ेंगे, कई बार साथ में भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। दोस्तों ये रहे आपके साथ वाले आंकड़े, गौर से देखेंगे, इन दोनों आंकड़ों को हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों को आपस में जोड़ेंगे और राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में इनका प्रतिशत के रूप में देखेंगे। दोस्तों राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर और वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण कितना है, फॉरेस्ट कवर दोस्तों 16,654.96 वर्ग किलोमीटर, जिसको हम 4.87% भी कहते हैं। वृक्षावरण अभी पढ़ा हमने, 8,733 वर्ग किलोमीटर है, जो कितना प्रतिशत है, 2.54% है। दोनों को मिला दीजिए, वनावरण और वृक्षावरण को, कितना हो जाएगा, 16 और 8 दोस्तों ये लगभग 25,387.96 वर्ग किलोमीटर हो गया, जबकि 2019 में कितना था, 24,741.51 वर्ग किलोमीटर था। इसका मतलब 2019 की तुलना में वनावरण और वृक्षावरण का कुल योग दोस्तों 2021 में बढ़ चुका है, कितना बढ़ा है वो भी बताएंगे। दोनों का क्षेत्रफल एक साथ जोड़ें प्रतिशत के रूप में, तो दोस्तों देखें 4.87% प्लस 2.45% दोनों को जोड़ें तो टोटल होता है 7.41%। अब 2019 की तुलना में दोनों में क्या हुई वृद्धि, कितनी वृद्धि, 646.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। इस प्रकार से दोस्तों मैंने दो पॉइंट कंप्लीट करा दिए हैं, नंबर 1 फॉरेस्ट कवर यानी वनावरण, नंबर 2 वृक्षावरण और नंबर 3 दोनों का योग करके, यानी एक प्रकार से 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब हम उस टॉपिक की ओर मूव करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वन रिपोर्ट के हिसाब से, आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं के लिहाज से, जहां से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पुटअप होते हैं। हमें क्या करना है, हमें रट्टा मारना है, क्योंकि दोस्तों आंकड़े रटे जाते हैं, आंकड़े थोड़े बहुत समझे जा सकते हैं लेकिन अंत में आपको रटना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपकी इस वन रिपोर्ट को एक शानदार तरीके के साथ संकलित करते हुए सरलता के साथ आप तक डिलीवर करना। दोस्तों मैं काफ़ी हद तक इसमें सफल होऊंगा ऐसा मुझे लग रहा है। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा
कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करेंगे। दोस्तों, मैंने जब जब भी कोई टॉपिक तैयार किया है, मैं उसकी जड़ से लेकर पत्ती तक की सारी जानकारी आपको देता हूँ, ताकि परीक्षा में एग्जामिनर, क्योंकि आजकल जो परीक्षाएं हैं इनमें एग्जामिनर का दिमाग हिला हुआ रहता है, वो कुछ भी पूछ लेता है। तो हम भी चारों तरफ से यानी 360 डिग्री पर हम पूरा अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। लाखों विद्यार्थी छोटी सी भर्ती के, मतलब बहुत ही नाम मात्र की भर्ती निकले और लाखों विद्यार्थी उसमें बैठते हैं। कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि हम उस जगह पहुँच सकते हैं जहाँ से हमारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए मेरा प्रयास लगातार सतत रूप से जारी है। आप चिंता ना करें, नेक्स्ट वीडियो आपका परिवहन का, जो मैंने आपसे वादा किया है, मैं लेकर आऊँगा। और उसके बाद मैंने आपसे एक बहुत बड़ा वादा कर रखा है, राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे का, वो भी मैं लेकर आऊँगा। चलिए दोस्तों, अब हम उस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, अभिलेखित वन क्षेत्र। दोस्तों, ज़्यादातर जो RPSC और कर्मचारी चयन बोर्ड पूछते हैं, वो इसी में से क्वेश्चन पूछते हैं कि राजस्थान में वन प्रतिशत बताओ, राजस्थान में कुल वन जो है वो कितना प्रतिशत है। ज़्यादातर ऐसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, वो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा 9.60%। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। दोस्तों, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट क्या है? वन विभाग के नियंत्रण वाली वन भूमि का क्षेत्रफल जो होता है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया होता है। सरकारी रिकॉर्ड के अंतर्गत आने वाला वन क्षेत्र, यानी ऐसा वन क्षेत्र, ऐसा फॉरेस्ट एरिया जो किसके अंतर्गत आता हो, सरकारी रिकॉर्ड में जिसका उल्लेख हो, वन विभाग के नियंत्रण में हो, इस प्रकार के वन क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। दोस्तों, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है? दोस्तों, 32,863 वर्ग किलोमीटर है, जबकि 2019 में कितना था? 32,737 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, कितना बढ़ गया? दोस्तों, 2019 की तुलना में बढ़ गया 126 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत की बात करें तो 2019 में कितना था? 9.57% था, जो बढ़कर कितना हो गया? 9.60% हो गया, अर्थात कितना बढ़ गया? 0.03% बढ़ गया। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको याद करना है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है? 32,863 वर्ग किलोमीटर है, जबकि पिछली बार 2019 में कितना था? 32,737 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 9.60% है, जबकि पिछली बार 2019 में कितना था? 9.57% था। दोनों में कितनी वृद्धि हुई है, यानी तुलना करें तो 2019 की तुलना में 2021 में वृद्धि हुई है 126 वर्ग किलोमीटर की, अर्थात 0.03% की वृद्धि हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। दोस्तों, जैसा हमने थोड़ी देर पहले वनावरण का वर्गीकरण किया था, अति सघन, मध्यम सघन और खुले वन के रूप में, उसी प्रकार से हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को भी क्या करेंगे दोस्तों? डिवाइड करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। ये परंपरागत तरीका है दोस्तों वर्गीकरण का, वनों के वर्गीकरण का, वेरी इंपॉर्टेंट। अभिलेखित वनों का वर्गीकरण करेंगे दोस्तों। ये वनों का वर्गीकरण जो किया जाता है, ये परंपरागत तरीका है। हम शुरू से 1950 से लगातार इसी प्रकार से वनों का वर्गीकरण करते आ रहे हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट आपके सामने है, तीन प्रकार के यहाँ पढ़ेंगे हम। नंबर एक हम आरक्षित वन पढ़ेंगे, नंबर दो रक्षित पढ़ेंगे, नंबर तीन हम पढ़ेंगे खुले वन। दोस्तों, नंबर तीन, सॉरी, अवर्गीकृत वन पढ़ेंगे, अनक्लासिफाइड। तो पहला पॉइंट आपके सामने है आरक्षित वन। दोस्तों, इनको अंग्रेजी में रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। जब आपकी परीक्षा हो और परीक्षा में आपके सामने यदि आरक्षित वन आ जाए, साथ ही साथ आपके सामने रक्षित, सुरक्षित और संरक्षित वन भी आ सकता है, तब आपको एक बात याद रखनी है, अंग्रेजी की जो टर्म लिखी है आप उसको गौर से देखेंगे।
यदि रिजर्व लिखा हुआ है तो आप आरक्षित वन वाली बात उसके साथ ऐड करेंगे। यदि प्रोटेक्ट लिखा है तो प्रोटेक्ट को हम रक्षित भी कहते हैं, सुरक्षित भी कहते हैं, संरक्षित भी कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे आरक्षित वन। आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट पर्यावरण की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने के कारण पशुचारण, लकड़ी काटने पर पूर्ण प्रतिबंध होता है, पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में होते हैं। दोस्तों पर्यावरण की दृष्टि से जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और इस जगह पर पशुचारण पर, लकड़ी कटाई पर क्या होता है, 100% यानी पूर्ण प्रतिबंध होता है, क्योंकि ये इस प्रकार के जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं ये पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में होते हैं। दोस्तों वन रिपोर्ट 2021 की बात करें तो यहाँ वन रिपोर्ट 2021 की बात करें तो दोस्तों आरक्षित वन कितने हैं, 12,176 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कितना प्रतिशत है, 37.05%। दोस्तों टोटल जो हमारे अभिलेखित वन जो है, रिकॉर्डेड जो फॉरेस्ट है, उसका कितना प्रतिशत आरक्षित वन है, 37.05%, अर्थात कितना हो गया, 12,176 वर्ग किलोमीटर। जबकि वन रिपोर्ट 2019 कहती है कि ये जो आरक्षित वन थे वो थे 12,475 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 38.11%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस बार आरक्षित वन घट गए। दोस्तों रिजर्व फॉरेस्ट घट गए, कितने घट गए, 2019 की तुलना में 299 वर्ग किलोमीटर की क्या हो गई, कमी हो गई। किसमें, आरक्षित वनों में। अर्थात पूछा जा सकता है राजस्थान में रिजर्व फॉरेस्ट सर्वाधिक कहाँ है, दोस्तों उदयपुर में। कहाँ है, उदयपुर में। अब आपको याद रखना है आरक्षित वन का परसेंट, क्योंकि दोस्तों ये आंकड़ा जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वह आरक्षित यानी रिजर्व फॉरेस्ट कितने हैं, 12,176 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल अभिलेखित वनों का कितना प्रतिशत है, 37.05%। याद रह जाएगा क्या, नहीं रहे तो रट लेना। पिछली बार की तुलना में क्या हो गया, घट गया है। कितना घट गया भाई, 299 वर्ग किलोमीटर घट गया है। ये है आरक्षित वन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रक्षित वनों की ओर। दोस्तों रक्षित वन, जिन्हें सुरक्षित वन भी कहते हैं, जिन्हें संरक्षित वन भी कहते हैं, जिन्हें प्रोटेक्ट फॉरेस्ट भी कहते हैं, लकड़ी कटाई पशुचारण पर कुछ नियमों के तहत छूट मिल जाती है। यानी संरक्षित, सुरक्षित और संरक्षित जो प्रोटेक्ट फॉरेस्ट होते हैं, इनमें कुछ नियमों के तहत दोस्तों लकड़ी काटने की और पशुचारण की ढिलाई दी जाती है, छूट दी जाती है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार टोटल संरक्षित यानी रक्षित प्रोटेक्ट फॉरेस्ट कितने हैं, 18,543 वर्ग किलोमीटर। टोटल हमारा जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है उसका रक्षित वन कितना प्रतिशत है, 56.43%। कितना है, 56.43%। जबकि वन रिपोर्ट 2019 कहती है कि 18,217 वर्ग किलोमीटर था, अर्थात 55.64% था, जो बढ़कर कितना हो गया, 56.43%। कितनी वृद्धि हुई भाई 2019 की तुलना में, 326 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और सर्वाधिक रक्षित वन कहाँ है, 12 में। दोस्तों रिजर्व फॉरेस्ट में क्या हुई है, कमी, जबकि रक्षित प्रोटेक्ट फॉरेस्ट में क्या हुई है, वृद्धि। दोस्तों ये वृद्धि आपको याद करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट आंकड़ा। दोस्तों इस बार आपसे पूछा जाए तो आप आंकड़ा याद रखेंगे, रक्षित वन का कितना, 56.43%, और वर्ग किलोमीटर में पूछे तो 18,543 वर्ग किलोमीटर। कितनी वृद्धि हुई भाई रक्षित वनों में, 326 वर्ग किलोमीटर की। ये थे आपके रक्षित प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। अब हम बात करेंगे दोस्तों अवर्गीकृत वनों की, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट की। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट दोस्तों इस प्रकार के जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें लकड़ी काटने और पशुचारण पर क्या नहीं होता, कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। दोस्तों पिछली बार कितनी थी वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार, 2,045 वर्ग किलोमीटर, और वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितनी हो गई, 2,144 वर्ग किलोमीटर। कितनी बढ़ गई भाई,
2019 की तुलना में 99 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो गई है अनक्लासिफाइड वनों में। कितनी बढ़ गई भाई? 99 वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक अवर्गीकृत वन, या रक्षित नहीं लिखना था, गलती हुई है, आप इसे अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट बोलेंगे। अवर्गीकृत वन सर्वाधिक कहाँ है? बीकानेर में। दोस्तों अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत 2021 के अनुसार कितना है? 6.52%। राज्य का कुल अभिलेखित वन जो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, उसका अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कितना है? 2144 वर्ग किलोमीटर, कितना प्रतिशत हुआ? 6.52%। जबकि पिछली बार कितना था? 6.25। कुछ नहीं करना था, 6.25 में से इस दो को इधर लाना है। दोस्तों अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में भी क्या हुई? वृद्धि। तब आपको तीन चीज़ें देखनी है दोस्तों। आरक्षित यानी रिजर्व फॉरेस्ट में तो कमी हुई है, जबकि आपके अवर्गीकृत और प्रोटेक्ट यानी रक्षित वनों में वृद्धि हुई है 2019 की तुलना में 2021 में। कितनी वृद्धि हुई है? और राज्य के कुल अभिलेखित वन का जो है कितना प्रतिशत आरक्षित वन है, कितना प्रतिशत रक्षित है, और कितना प्रतिशत अवर्गीकृत है? तो तीन आंकड़े वेरी इंपॉर्टेंट। आंकड़ा नंबर एक है 37.05% रक्षित वन है, सॉरी आरक्षित वन है, और रक्षित वन है 56.43%, और आपका अनक्लासिफाइड है, अवर्गीकृत है 6.52। इस प्रकार से ये था दोस्तों हमारा अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, और ये हमने पढ़ लिया दोस्तों रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। अब मैं लिए चलता हूँ आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातों की ओर, जो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 2019 की हमारी जो ट्रिक थी वो सारी की सारी ट्रिक काम आएंगी, यानी हमारी ट्रिक में कोई बदलाव नहीं करेंगे। थोड़े बहुत आंकड़ों में बदलाव हुए हैं चलेगा, लेकिन हमारी जो ट्रिक थी वो हम नहीं छोड़ेंगे। जब तक प्राप्त नहीं करेंगे जब तक तब तक छोड़ेंगे नहीं। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले दोस्तों हम अब पढ़ने जा रहे हैं, राज्य के वे जिले जिनमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है दोस्तों। UAPB पुराने वाली ट्रिक हमारी, UAPB सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले चार जिले UAPB। यू का मतलब उदयपुर, ए का मतलब अलवर, पी का मतलब प्रतापगढ़, बी का मतलब बारा। दोस्तों पिछली बार भी यही रेशो था, देख लो ये पड़ा पिछली बार का आंकड़ा 2019 का आंकड़ा, और ये हमारा 2021 का। उदयपुर की बात करें तो 2753.39 वर्ग किलोमीटर उदयपुर में दोस्तों, 2753.39 वर्ग किलोमीटर। पिछली बार कितना था? 2757.54, यानी थोड़ा सा घट गया है उदयपुर में वन क्षेत्र। कोई बात नहीं है, लेकिन टॉप पर है दोस्तों। कितना है? 2753.39 वर्ग किलोमीटर उदयपुर में। दो नंबर पे अलवर है 1195.9 वर्ग किलोमीटर। तीन नंबर पे प्रतापगढ़ है 1033.77 वर्ग किलोमीटर, और चार नंबर पे हैं बारा 1010.05 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों UAPB आपको याद करना है, चार जिले जिनमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारा। यानी हम ये भी बता सकते हैं कि राजस्थान में 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र वाले जिले चार है। चलिए ये मेरा पहला पॉइंट था इसमें। दूसरा पॉइंट दोस्तों, हमारी ट्रिक यहाँ पर भी काम आ रही है, हमारी ट्रिक यहाँ पर भी काम आ रही है। कैसे? राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले चूहाजोगा, याद है ना आपको, जब हम लाइव क्लास लेते थे तो बार बार मैं आपको चीज़ें याद दिलाता था, दोबारा फिर याद दिलाएंगे। बहुत जल्द आने वाले 2-4 दिन में हम लाइव सेशन शुरू करने जा रहे हैं, तब ये सारी चीज़ें हम बार बार रिवीजन करेंगे ताकि आपके सारी चीज़ें कंठस्थ हो जाए। दोस्तों यहाँ चूहाजोगा, चू का मतलब चूरू, हा का मतलब हनुमानगढ़, जो का मतलब जोधपुर, गा का मतलब गंगानगर। यही रेसो पिछली बार था, यही इस बार है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं चूरू। चूरू जिले में टोटल वन कितने हैं? मात्र 78 वर्ग किलोमीटर। कितने हैं? मात्र 78 वर्ग किलोमीटर में वन है। हनुमानगढ़ में कितने हैं भाई?
93 वर्ग किलोमीटर में वन है, जोधपुर में 109 वर्ग किलोमीटर में वन है, गंगानगर में 115.09 वर्ग किलोमीटर में वन है, दोस्तों में 116.60 वर्ग किलोमीटर में वन है। दोस्तों ये आंकड़े आपको रटने पड़ेंगे। चूहा जोगा शब्द रट लेना काम हो गया आपका। अब आंकड़े इसके साथ आपको ऐड करने हैं। चूरू के साथ 78 याद रखो, हनुमानगढ़ के साथ 93 याद रखो, जोधपुर के साथ 109 याद रखो, गंगानगर के साथ 115.09। तो ये तो था हमारा न्यूनतम वन क्षेत्र। अब मैं लिए चलता हूँ प्रतिशत की ओर। दोस्तों प्रतिशत वाला आंकड़ा याद आ गया ना आपने, मैंने आपको बताया था यूपीएससी में मैंने इतने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। यूपीएससी में अधिकतम प्रतिशत प्राप्त करने वाले की सरकारी नौकरी लगती है, यूपीएससी में अधिकतम प्रतिशत। तो दोस्तों सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले यूपीएससी, यूएपीबी वन क्षेत्र वाले जिले यूपीएससी, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले। यहाँ यू का मतलब उदयपुर है, पी का मतलब प्रतापगढ़ है, एस का मतलब सिरोही है, सी का मतलब करौली है। ये वन रिपोर्ट जारी करने वाले को थैंक यू बोलना पसंद करूँगा, हमारी ट्रिक गड़बड़ नहीं हुई। दोस्तों चाहे वो आपका वन सर्वेक्षण देहरादून हो, चाहे आपका क्लाइमेट मंत्रालय, इन्वायरमेंट एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार हो, दोनों को ही बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी ट्रिक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, थैंक यू। दोस्तों ये यूपीएससी हो गया आपका। यू का मतलब उदयपुर है, उदयपुर का टोटल जो एरिया है। दोस्तों यहाँ प्रतिशत का मतलब क्या है कि जिस जिले का जितना क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है। दोस्तों उदयपुर का जितना क्षेत्रफल है उसका वहाँ पर जो वन है वो है 23.49%, यानी उदयपुर के टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का 23.49% वन है। पिछली बार कितने थे? 23.51। इसका मतलब थोड़ा सा घट गया। प्रतापगढ़ 23.224% वन प्रतिशत वन है। सिरोही में कितना है भाई? 17.49%। करौली में कितना है? 15.28%। इस प्रकार से ये वन प्रतिशत हो गए उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। दोस्तों ये आंकड़े आपको कैसे लगे? ये पढ़ाने का तरीका कैसे लगा? हमारा ये जो कंटेंट आपको कैसा लगा? कमेंट्स में आपके जवाब आना बहुत ज़रूरी है। चलिए चौथा पॉइंट दिखा देता हूँ, जिसने थोड़ी सी हमारी ट्रिक को क्या कर दिया? विचलित कर दिया। हमारी ट्रिक क्या थी? जोचना थी, और थोड़ा हमें उसमें बदलाव करना होगा। दोस्तों न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले, अब हमें क्या करना है? जोधपुर, जोधपुर के साथ जो लगा दिया, चू और जे, यानी चूरू, जैसलमेर और बीकानेर, और चू जे बीकानेर। चूज करने का मतलब होता है सेलेक्ट करना, किसी चीज़ को चुनना। जो चूजे बीकानेर, आपको याद करना है जो चूजे बीकानेर, जो चूज करता है बीकानेर को। जो का मतलब जोधपुर, चू का मतलब चूरू, जय का मतलब जैसलमेर, बीकानेर का मतलब बीकानेर। दोस्तों न्यूनतम वन प्रतिशत यानी जोधपुर का टोटल एरिया, 100% एरिया जोधपुर का हम मान लेते हैं, इस टोटल प्रतिशत का मात्र 0.48% ही वन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, न्यूनतम वन क्षेत्र वाले भी पूछ लेते हैं और न्यूनतम वन प्रतिशत वाले भी। तो जोधपुर में 0.48%, जबकि पिछली बार कितना था? 0.47, यानी 0.01% बढ़ गया है। बधाई हो जोधपुर को, आपका 1% बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ गया भाई, 0.01% बढ़ गया। जोधपुर के बाद हम बात करेंगे चूरू की, 0.56%, जबकि पिछली बार 0.59, घट गया। चूरू आंधी ज़्यादा चलती है, टेम्परेचर ज़्यादा है, अत्यधिक तापमान के कारण वहाँ पर पानी की भी समस्या है, इसलिए पौधे तो घट नहीं थे। दोस्तों 1 नंबर जोधपुर, 2 नंबर चूरू। अब हम चलेंगे जैसलमेर की ओर। दोस्तों 3रा नंबर जैसलमेर का, 0.84%, जबकि जैसलमेर में पिछली बार था 0.85%। तो इस प्रकार से
तीन नंबर पे कौन आ गया? जैसलमेर। और हमारा बीकानेर चला गया चौथे नंबर पर, 0.92। यानी बीकानेर का टोटल एरिया उस एरिया का मात्र 0.92% ही वन है। इस प्रकार से आपको याद करना है न्यूनतम 1% जो चूजे बीकानेर, जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, अंत में ये हनुमानगढ़ और नागौर दोनों का ही 1% बराबर है, 0.96%। चलते हैं अगली इम्पोर्टेंट बात की ओर। दोस्तों पिछली बार जो चना था आपको याद होगा, हम बार बार जो चना पढ़ते थे, यानी जोधपुर, चूरू और नागौर था। ये देखो दोस्तों 2019 में नागौर का तीसरा स्थान, और इस बार नागौर हनुमानगढ़ के साथ संयुक्त रूप से पाँचवें स्थान पर पहुँच गया। चलते हैं भाई, ये नीचे से स्थान है, ध्यान रखना है, ऊपर से स्थान नहीं है। चलिए भाई एक गजब का पॉइंट, क्या शानदार पॉइंट है, क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। 2019 की तुलना में 2021 में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले, दोस्तों राजस्थान के 33 जिले हैं। कुछ जिलों में वन क्षेत्र बढ़ा है, कुछ जिलों में वन क्षेत्र घटा है, ठीक है। अब सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है वो देखेंगे, फिर देखेंगे सर्वाधिक कमी किस में हुई है वो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं जिनमें वृद्धि हुई है, सर्वाधिक वृद्धि वाले चार जिले कौन कौन से हैं। नंबर एक अजमेर, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि 2021 में कितनी भाई, 26.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो गई भाई, क्या बात है, बधाई हो अजमेर को। आरपीएससी के आसपास पेड़ पौधे ज़्यादा ही उगा दिए थे, अजमेर 26.45 वर्ग किलोमीटर एरिया में वृद्धि हो गई। अब दोस्तों आपको याद हो जाएगा आरपीएससी के अगल बगल में खूब सारे पेड़ पौधे लग गए, इसलिए राजस्थान में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि अजमेर में हो गई 2019 की तुलना में 2021 में। चलिए दोस्तों दो नंबर पे बात करेंगे हम पाली की, दो नंबर पे बात करेंगे पाली की। हाँ जी, पाली में कितनी वृद्धि हुई है, 26.01, कितनी हुई है भाई, 26.01 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए वो दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं, तीन नंबर बीकानेर। दोस्तों बीकानेर की बात करें तो 24.10 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है वृद्धि, और नागौर में कितनी, 22.72 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। तो सर्वाधिक वृद्धि वाले चार जिले आपके सामने हैं, APBN, ऐसे याद कर लो, और कोई तरीका है तो आप अपने हिसाब से देख लो, है ना। APBN अर्थात अजमेर में सर्वाधिक वृद्धि, दो नंबर पाली में, तीन नंबर बीकानेर में, चार नंबर नागौर में, ये सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाले जिले हैं, वर्ग किलोमीटर के रूप में इनकी वृद्धि मैंने आपको बताई। अब मैं लिए चलता हूँ 2019 की तुलना में 2021 में वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाले जिले। नंबर एक जालौर, जालौर में कितनी कमी हो गई भाई, -32.46 वर्ग किलोमीटर। जालौर वो इलाका है जिसमें सबसे ज़्यादा कमी हुई है, वनों में गिरावट देखने को मिली है, कितनी भाई, -32.46 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। करौली दो नंबर पे भाई, -26.16 वर्ग किलोमीटर की कमी। सिरोही -13.49 वर्ग किलोमीटर की कमी। भरतपुर -9.21 वर्ग किलोमीटर की कमी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वन क्षेत्र में कमी इन चार जिलों में सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। आप इनको कैसे याद करेंगे, जे और उसके बाद में सी और एस और बी, आप अपने हिसाब से इसकी ट्रिक बना सकते हैं। जालौर -32.46 वर्ग किलोमीटर, करौली -26.16 वर्ग किलोमीटर, सिरोही -13.49 वर्ग किलोमीटर, और भरतपुर -9.21 वर्ग किलोमीटर, ये कमी हुई है इन चार जिलों में। चलिए दोस्तों अब वो पांचवा पॉइंट आने वाला है, उससे पहले एक दोस्तों बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण में कमी और वृद्धि देखें तो टोटल राजस्थान के जिले हैं 33, 33 में से 19 जिलों के वनावरण में क्या हुई है वृद्धि, और 14 जिलों के वनावरण में क्या हुई है
कमी। और इस बार कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिसमें नो चेंज हुआ हो, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसा कोई भी जिला नहीं है। अब आपको याद करना है, 19 जिलों के वनावरण में वृद्धि हुई है फॉरेस्ट एरिया में, 14 जिलों के वनावरण में कमी हुई है, ये बात आपको याद करनी है। चलिए दोस्तों, राज्य में झाड़ी क्षेत्र की भी बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों झाड़ी क्षेत्र का भी क्या आता है क्वेश्चन। झाड़ी क्षेत्र की बात करें तो वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में झाड़ी क्षेत्र कितना है? दोस्तों राज्य में झाड़ी क्षेत्र है 4,808.51 वर्ग किलोमीटर। कितना है भाई? 4,808.51 वर्ग किलोमीटर है झाड़ी क्षेत्र, जो कि राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 1.41% है। दोस्तों राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का झाड़ी क्षेत्र कितना है? दोस्तों 1.41% है। 2019 की बात करें तो 4,760.04 वर्ग किलोमीटर झाड़ी क्षेत्र था, जो बढ़ करके 2021 में कितना हो गया? 4,808.51 वर्ग किलोमीटर हो गया। पिछली बार 1.39% था, जो बढ़ करके 1.41% हो गया। इस प्रकार से राज्य में 2019 की तुलना में 2021 में झाड़ी क्षेत्रफल अर्थात झाड़ी प्रतिशत बढ़ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ राजस्थान के वे जिले जिनमें सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र है। झाड़ी क्षेत्र दोस्तों, सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र वाले जिले, नंबर एक पाली। पाली में कितना वर्ग किलोमीटर झाड़ी क्षेत्र है? 358 वर्ग किलोमीटर। दो नंबर पे करौली, 301 वर्ग किलोमीटर। नंबर तीन सिरोही, 248 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों पिछली बार पाली में 324, पिछली बार पाली पहले नंबर पे था, इस बार भी पहले नंबर पे हैं, लेकिन इस बार थोड़ी झाड़ी क्षेत्र और बढ़ गया। दो नंबर पे दोस्तों पिछली बार जयपुर था, दो नंबर पे पिछली बार कौन था? जयपुर। इस बार जयपुर का स्थान करौली ने ले लिया। करौली का पिछली बार 273 वर्ग किलोमीटर था, इस बार बढ़ करके 301 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा स्थान है सिरोही का। तो आपको तो इतना ही याद रखना है, तीन बातें, पाली का पहला नंबर, दूसरा करौली, तीसरा सिरोही। वर्ग किलोमीटर पूछे तो आप इनको याद कर सकते हो, बाकी पाली करौली सिरोही ये तीनों नाम आपको याद रहने बहुत ज़रूरी है। सर्वाधिक पाली में, न्यूनतम भी पूछा जा सकता है, न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र वाले जिले। दोस्तों पिछली बार भी हनुमानगढ़ था, इस बार भी हनुमानगढ़ है, और दो नंबर पे गंगानगर, तीन नंबर पे चूरू, यही क्रम था पिछली बार भी। देखो दोस्तों, हनुमानगढ़ के अंदर पिछली बार 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में झाड़ी क्षेत्र था, इस बार बढ़ करके 7 वर्ग किलोमीटर हो गया। गंगानगर में पिछली बार 13 वर्ग किलोमीटर झाड़ी क्षेत्र था, जो बढ़कर 16 वर्ग किलोमीटर हो गया। पिछली बार चूरू में 22 वर्ग किलोमीटर क्या था झाड़ी क्षेत्र, जो बढ़कर 27 हो गया। हमें तो इतना ही याद रखना है, हनुमानगढ़ में सबसे कम झाड़ी क्षेत्र है, उससे थोड़ा ज़्यादा गंगानगर और उससे थोड़ा ज़्यादा चूरू, जबकि सर्वाधिक कहाँ है? पाली करौली सिरोही। ये झाड़ी क्षेत्र की बात हो गई, झाड़ी क्षेत्र न्यूनतम और झाड़ी क्षेत्र सर्वाधिक। अब दोस्तों मैं भारत में वन संरक्षण के लिए जो प्रयास किए गए हैं वो प्रयास आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों एक बात अंत में और कहूँगा, आने वाले कुछ ही दिनों में मैं आपको राजस्थान की जो प्रशासनिक रिपोर्ट है वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट, उस प्रशासनिक रिपोर्ट को भी आपके सामने लेकर आना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों थोड़े दिन पहले कर्मचारी चयन बोर्ड ने वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2021-22 से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछ लिया था। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई क्वेश्चन गलत हो, क्योंकि दोस्तों मैं वादा कर चुका हूँ आपके सिलेक्शन का, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं तब तक इन चीज़ों को छोड़ना नहीं है। वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट भी आपको मैं कराऊंगा, उसमें से वो आंकड़े जरूर बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं राजस्थान में, सॉरी भारत में वन संरक्षण हेतु प्रयास क्या किए गए। दोस्तों भारत की पहली वन नीति फॉरेस्ट पॉलिसी कब लाई गई? ब्रिटिश काल में लाई गई, 1894 में। स्वतंत्र भारत की पहली फॉरेस्ट नीति कब आई? 1952 में। आगे चल करके उसमें क्या हो गया? संशोधन वन नीति कब आई? 1988। दोस्तों ये भारत की पहली जो वन नीति है ये क्या कहती है कि हमारे देश के टोटल 33% भूभाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए।
पर्वतीय क्षेत्रों में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? 65%। मैदानी क्षेत्र में कितने होने चाहिए? 20 से 25% वन होने चाहिए। दो तीनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, मैं अब आपको उस 42वें संविधान संशोधन से भी रूबरू करा देता हूँ जिसके द्वारा वनों को किस में डाल दिया गया? समवर्ती सूची में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया जिसके माध्यम से वनों को किस में डाल दिया? समवर्ती सूची में डाल दिया गया। वन विषय किस में है? समवर्ती में। दोस्तों अब हम बात करेंगे भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 की। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना 1981 में हुई। दोस्तों भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के माध्यम से या इस अधिनियम के तहत केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना 1981 में हुई और वर्तमान में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के 4 क्षेत्रीय कार्यालय है। कौन कौन से हैं भाई? नंबर 1 शिमला, नंबर 2 कोलकाता, नंबर 3 नागपुर, नंबर 4 बेंगलुरु। चलिए दोस्तों, लिए चलता हूँ राजस्थान में वन संरक्षण के प्रयासों की ओर। राजस्थान में वन संरक्षण हेतु क्या क्या प्रयास किए गए हैं? दोस्तों राज्य में सर्वप्रथम वन संरक्षण नीति अपनाने वाली दो रियासतें कौन कौन सी है? नंबर 1 जोधपुर में पहली बार 1910 में और अलवर में 1935 में। क्या बनाई गई दोस्तों? वन संरक्षण नीति बनाई गई। तो आपको याद रखना है राजस्थान की कौन सी ऐसी रियासतें हैं जिनमें सबसे पहले वन संरक्षण नीति अपनाई? जोधपुर 1910, अलवर 1935। दोस्तों हमारे राजस्थान के वन विभाग की स्थापना कब हुई? 1949 में। दोस्तों राजस्थान वन अधिनियम कब बनाया गया? 1953 में। और राजस्थान राज्य की पहली फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई? 8 फरवरी 2010 को। इस प्रकार से राजस्थान वन नीति अर्थात फॉरेस्ट पॉलिसी घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बना था। दोस्तों एक जानकारी आपको अंत में और दे देता हूँ, हाल ही में राजस्थान सरकार ने नई फॉरेस्ट पॉलिसी 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। बहुत ही जल्द फॉरेस्ट पॉलिसी आएगी। मैं फॉरेस्ट पॉलिसी जो नई आएगी उसकी भी डिटेल में आपको जानकारी जैसे ही लॉन्च होगी मैं आपको ज़रूर दूंगा। दोस्तों ये था हमारा आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान और भारत की वन स्थिति रिपोर्ट, जो कि 17वीं रिपोर्ट थी और ये दो रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट मानी जाती है। ये द्विवार्षिक रिपोर्ट होती है और भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के द्वारा ये आंकड़े तैयार किए जाते हैं। और दोस्तों पहली बार 1987 में रिपोर्ट जारी हुई और ये सबसे नवीनतम रिपोर्ट थी। ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है। पिछली रिपोर्ट 2019 और इस बार वाली रिपोर्ट 2021, इन दोनों की तुलना करते हुए आंकड़ों के इस जाल से बाहर निकालते हुए आंकड़ों को सरलता के साथ एकदम इजी तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास मेरा, आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करके शानदार कंटेंट जब आपको मैं देता हूँ तब आपके दिलों में मैं बसता हूँ। आप अपने दिल में मुझे, मेरे लिए जगह बना के रखते हो, आप मुझे बार बार अप्रिशिएट करते हो, मोटिवेट करते हो, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख करके बार बार मुझे, क्योंकि दोस्तों उम्मीद उसी से होती है जो कुछ करता है। तो आप लोगों की मेरे प्रति जो उम्मीद है वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। दोस्तों आपके लिए कंटेंट तैयार करना, वो भी सटीक कंटेंट, शानदार एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट तैयार करके आप तक डिलीवर करना मेरे लिए बहुत ही बड़ा संघर्ष होता है, लेकिन मैं आपकी उम्मीद को तोड़ नहीं सकता, आपकी उम्मीद को बनाए रखना, क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूँ और मुझे पता है राजस्थान के बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो किसी बड़े शहर में रह करके किसी बड़ी बड़ी कोचिंग की फांपे सुने, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो कंटेंट इनको हज़ारों रुपए फीस दे करके भी नहीं मिल पाता, वो कंटेंट गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के माध्यम से, राजस्थान के सबसे सफल डिजिटल प्लेटफॉर्म गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के माध्यम से आप तक जो पहुंचाने का मेरा प्रयास है ये लगातार जारी है, सतत रूप से जारी रहेगा। दिन प्रतिदिन मैं सुधार करता जाऊंगा और जो एग्ज़ाम लेगा, जो आपका पेपर बनाएगा, उसकी नब्ज पर प्रहार यूं ही करता रहूँगा। दोस्तों चाहे वो कर्मचारी चयन बोर्ड हो चाहे आरपीएससी, इन दोनों के एग्ज़ाम्स की बैंड बजाते हुए हम आगे बढ़ेंगे।
मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जब मेरे कोई विद्यार्थी पेपर देंगे तो वो टॉप टॉप उनका नाम आएगा और 100 में से 90 से 95 अर्थात 90 से 96 नंबर के बीच जब लेकर के आएंगे तब मेरा सीना गर्व से चौड़ा होगा। और जब सरकारी नौकरी आपको मिलेगी, आपका लक्ष्य, आपकी उम्मीद, आपके सपने पूरे होंगे, आपके माता पिता आप पर गर्व महसूस करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लूँगा, आपको शुभरात्रि बोलते हुए वाणी को विराम दूंगा। कल मैं आपके लिए राजस्थान के परिवहन का, राजस्थान के नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे का एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई उम्मीदों के साथ। लेकिन दोस्तों, यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सच में सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं तो गुरु ज्ञान पब्लिकेशन को छोड़ना मत जब तक कि सिलेक्शन ना हो। इसका मतलब गुरु ज्ञान पब्लिकेशन का यूट्यूब चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लें और चैनल जो है गुरु ज्ञान पब्लिकेशन का उसको भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, उम्मीद है जिस दिन नौकरी लग जाएगी उस दिन आप चाहे मुझे छोड़ देना, चाहे आप अपने गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल या स्टैंड को या टेलीग्राम चैनल को छोड़ देना। तब तक मत छोड़ना जब तक कि नौकरी ना लगे। उम्मीद है आने वाले 6 महीने में आपको ये दिन देखने को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब विदा लूँगा, कल मिलेंगे नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए शुभरात्रि, गुड नाइट, थैंक यू।